झट उठा ले मेहतर तेरे कफा को आकर, झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, दे देगा याग तुझको, दे देगा याग तुझको बेटा जो खास होगा, तो गद कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तो गद कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आओ से समझते हुए मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी तो खाक होगी, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी तो खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, दुनिया को याद तेरा, दुनिया मरघट में वास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा। बुलंदी देर तलक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तलक किस शख्स के हिस्से में रहती है, और ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, जिंदगी में तुझे कब तलक बचाकर रखूंगा, जिंदगी में तुझे कब तलक बचाकर रखूंगा, क्योंकि ये मौत हर घड़ी निवाला बदलती रहती है, हर घड़ी निवाला बदलती रहती है, इसलिए अंतिम सत्य जो है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जो हरि नाम को जपता भव सिंधु पार होता, जो हरि नाम को जपता भव सिंधु पार होता, माया के मोह में फंसकर जीवन अमोल खोता, हरि नाम जपले बंदे प्रभु नाम जपले बंदे तेरा बेड़ा पार होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, पर ऐसी करने कर चलो कि हम हंसे जग रोए। दोनों हाथ पर के तालियां बजाते हैं एक बार सभी। कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अब गणेश जी वाली कथा को अभी यहीं रोके, मुझे कुछ और याद आ गया। एक बार एक महात्मा की झोपड़ी में एक चोर घुसा, क्योंकि चोर को ये ज्ञान नहीं है कि ये संत फकीर हैं, धर्म की जगह हाथ नहीं डालना चाहिए। ये चोर को ज्ञान नहीं होता है, ध्यान देना। एक व्यक्ति कहने लगा मैं धर्म का नाश कर दूंगा, तो धर्म ने जवाब दिया मेरा तो आज तक कोई भी नाश नहीं कर पाया, इसलिए मैं अभी भी विद्यमान हूं, धर्म जिंदा है, लेकिन मेरा नाश करने वाले का नाश जरूर हो जाता है, धर्म ने कहा। जो मेरा नाश करना चाहता है उसका नाश अवश्य हो जाता है, मेरा आज तक नाश नहीं हुआ, धर्म ने यह बोला। तो ध्यान दीजिए, जो चोर है वो महात्मा की कुटिया में चोरी करने जा रहा है, जिसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान ही नहीं है। ऐसा कहा गया है शास्त्र के अंदर कि हित अनहित पशु पक्षी जानते हैं, यानी हमारा हित काय में है, हमारा अहित काय में है, ये पशु पक्षी भी जानते हैं। इसलिए अगर धूप तेज है पक्षी छांव में बैठेगा, अगर पानी बरस रहा है तो गाय छांव में जाके खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनको भी समझ में आता है कि हित अहित काय में है। तो इसी तरह से संसार में कई लोग हैं जो जानते हैं कि धर्म अधर्म क्या है, पाप और पुण्य क्या है, अच्छा और बुरा क्या है, जानते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानवर से भी गिरे हुए होते हैं, वो अच्छा और बुरा नहीं जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक जगह कहा कि पशु पक्षी भी जानवर भी अपने हित अहित को जानते हैं, पर उन जानवरों में भी एक जानवर ऐसा होता है जो अपने हित और अहित को नहीं जानता है। वो जानवर कौन सा है? वो जानवर है ऊंट। ऊंट कैसा? जिसकी गर्दन बाहर की ओर रहती है। कछुए की गर्दन आपने देखी जब अंदर की ओर रहती है? कछुए की गर्दन कई बार अंदर की ओर रहती है, क्योंकि कछुए की गर्दन बड़ी कोमल होती है, मुलायम। कोई खतरा आता है तो तुरंत गर्दन अंदर कर लेता है, और पीठ बड़ी मजबूत होती है तो पूरे प्रहार वो पीठ पे झेल लेता है। अब इसी तरह से ऊंट की गर्दन बाहर होती है, क्योंकि वो बहिर्मुखी है। जो संसार के अधिकतर लोग हैं वो बहिर्मुखी हैं, और संसार के कुछ गिने चुने लोग हैं वो अंतर्मुखी है। जो अंतर्मुखी है वो अंदर से आनंद लेता है, जो बहिर्मुखी है वो बाहर से सुख लेता है। चाहे चोरी करके मिले, किसी का धन लेके मिले, किसी को लूट के मिले, किसी को मार के मिले, किसी को सता के मिले, बस उसे तो कुछ मिले ताकि उसे सुख मिले। समझना बात को। इसलिए तुमने मनमुखी बन के देख लिया, तुमने बहिर्मुखी बन के देख लिया, तुमने पत्नी मुखी बन के देख लिया, तुमने बेटा मुखी बन के देख लिया, तुमने गुरु मुखी बन के देख लिया, एक बार तुम अंतर्मुखी बन के देखना, एक बार तुम अंतर्मुखी भी बन के देखना कि इस दुनिया में जितना भी आनंद है उसका मूल केंद्र तुम्हारे अंदर है, वहां से निकल रहा है सारा आनंद, सारा आनंद। ये मत समझ लेना ये सत्संग यही चल रहा है, इसकी तरंगे यही बन रही। मैंने बता भी दिया आपको कि जो इतने महीने से पलंग पे पड़ा हुआ अगर वो उठ के बैठा हो गया, कोमे से बाहर आ गया है, और क्या प्रभाव लोगे इन चीजों का, तो कितना प्रभाव होगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें आंखों से दिखाई देती है, और कुछ चीजें ऐसी है जो यंत्र से दिखाई देती है, और कुछ चीजें ऐसी है जो यंत्र की पकड़ में भी नहीं है, उससे भी बाहर है, उससे भी बाहर है।
मन तक तो वैज्ञानिक पहुंच गया कि तुम्हारा मन क्या कर रहा है, मशीन बता देगी कि इस समय तुम्हारे क्या विचार चल रहे हैं, लेकिन आत्मा की सत्ता तक अभी विज्ञान नहीं पहुंचा है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। परमात्मा के बारे में बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि परमात्मा अनुभूति का विषय है, उसे अनुभव किया जाता है, बताया नहीं जाता है। ये तो संतों की करुणा है कि जो बताया नहीं जाता है उसे धीरे 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 कोशिश करके, जैसे गाड़ी अंदर आना मना है, यहाँ पंडाल में गाड़ी नहीं आ सकती है, तो तुम सीढ़ियों तक तो आ सकते हो, बाहर आंगन में तो गाड़ी से आ सकते हो। इसी तरह से तुम्हें इन सत्संग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उस किनारे पे ले जाके खड़ा कर दिया जाता है, जहां गुरु एक धक्का देता है तो तुम परम सत्य में पहुंच जाते हो। इसलिए गुरु तुम्हें स्थूल गुरु तुम्हें स्थूल संसार से निकाल देता है, और तुम्हारे भीतर जो बैठा हुआ सदगुरु, जिस दिन तुम दीक्षा लेते हो उसी दिन से वो तुम्हारे अंदर बैठता है। अंदर का गुरु हमें अंदर से निकालता है, यानी मन की इच्छा वासना विकार रहते ना, उनको निकालता है। अंदर का गुरु अंदर की खराबियां निकालता है, और बाहर का गुरु तुम्हें संसार से निकालता है। अब जिस गुरु ने संसार से निकाला, जिस गुरु ने सूक्ष्म शरीर से निकाल दिया, और फिर तुम्हें कहाँ खड़ा करा, परम सत्य के किनारे पे खड़ा करा, गुरु वहां धक्का देके तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देता है ना। किसी ने पूछा, माता जी गुरु करना जरूरी है? जरूरी है क्या? क्या बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता है? मैंने कहा तुम्हारी उम्र लगभग 45 साल की है? बोले जी 45 साल की है। मैंने कहा भगवान मिला कि नहीं मिला? बोले नहीं मिला। मैंने कहा गुरु बनाया कि नहीं बनाया? बोले नहीं बनाया। मैंने कहा जब नहीं बनाने से भगवान मिलता है तो तुझे क्यों नहीं मिला अभी तक? तुझे मिल जाना था ना, क्यों नहीं मिला? जब बिना गुरु के भगवान मिलता है तो तुझे क्यों नहीं मिला? 45 साल में मिल जाना था? नहीं, परमात्मा से मिलने का रास्ता बड़ा अज्ञात रास्ता है। जैसे आकाश में रोड बने हुए नहीं है, कोई हाईवे नहीं बना हुआ है कि एबी रोड बना हुआ है, आगरा बॉम्बे रोड बना हुआ है, जहां पक्षी उड़ते हैं वहां रोड नहीं बने, इंसान जहां चलते हैं वहां रोड बने हैं। इसी तरह से परमात्मा के रास्ते पे कोई रोड नहीं बने हुए हैं, वो अज्ञात रास्ता है, वो गुरु के द्वारा ही संभव होता है और समझ में आता है, उन्हीं के द्वारा समझ में आता है। तो ध्यान दीजिए, मैं उदाहरण आपको ऊंट का दे रही थी। ऊंट की गर्दन बड़ी बाहर होती है, यानी वो बहिर्मुखी जीव होता है। तो ऊंट के ऊपर जब सामान लादा जाता है उस समय ऊंट अल्लाता है। ऊंट, चलो बात समझ में आती है कि बेचारे को कष्ट होगा, क्योंकि सारा सामान इस पे लादा जा रहा है, पता नहीं कहां तक ले जाएंगे उस सामान को। चलते फिरते काफिले आपने देखे होंगे, जो ऊंट पे जिनका संसार है देखे होंगे ना, पूरी गृहस्थी वो ऊंट पे लाद करके ले जाते एक जगह से दूसरी जगह अपना घर बसाते। तो इसी तरह से उस पे जब लादा जाने लगा, ऊंट अल्लाने लगा, बात समझ में आती है। लेकिन जब गंतव्य स्थान पर पहुंच गए और ऊंट पे लदा सामान जब उतारने लगे तो भी ऊंट अल्लाने लगा। क्यों? क्योंकि ऊंट को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब मेरे पे भार लादा नहीं जा रहा है, मेरा भार उतारा जा रहा है। लेकिन वो जानवर है, समझ नहीं पा रहा है कि मुझे हल्का किया जा रहा है। इसी तरह के बिरले मनुष्य की आकृति में जानवर होना भी है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि सत्संग में भार लादा नहीं जाता है, तुम्हारा सत्संग में भार उतारा जाता है ना। और जानवर क्यों कह रही हूं मैं, कि पाउच के ऊपर लिखा है कि खाने से कैंसर होता है, सिगरेट पे लिखा हुआ है कि पीने से कैंसर होता है, जहां चेतावनियां लिखी हैं लेकिन पी रहे हैं और खा रहे हैं, तो उनको जानवर कहना चाहिए कि क्या कहना चाहिए? ऐसे लोग सत्संग में आना पसंद नहीं करते हैं। मां तो हजारों की शराब छुड़ाती है, कहीं हमारी ना छुड़ा दे। अरे तुम्हें ऊंट जैसी अकल आ गई क्या तुम में, कि मां जिस हित और अहित को नहीं समझ पा रहे,
कि जो तुम्हें नुकसान से बचा रही है, अहित से बचा रही है, वो समझ खत्म हो गई क्या? वो समझ खत्म हो गई तो तुम आकृति से मनुष्य बचे, प्रकृति से तो तुम जानवर हो गए हो। इसलिए हे माता, बचपन से संस्कार देना, जैसे विद्याधाम में दिए जा रहे हैं, देख रहे हो आप बच्चों को, जैसे विद्याधाम में दिए जा रहे हैं, शिक्षा जो तुम्हें भौतिक साधन उपलब्ध कराती है, और दीक्षा यानी संस्कार जो तुम्हें अंदर की शांति, अंदर का शीलवान बनाता है व्यक्ति को। संस्कार, संस्कार कैसा, ध्यान देना। एक व्यक्ति ने कहा, ओबे अंधे चल इधर आ। बात तो तूने सच बोली, क्योंकि बेचारा अंधा है, तो तूने बोला ए अंधे इधर आ, सच बोला, लेकिन शीलवान आदमी नहीं है तू, है ना। तुम अगर कहो ए मेरे बाप की बीबी इधर आ, तो बात तो तुमने सच कही, बड़ी सच कही बात तो, लेकिन इस तुम्हारी बात में क्या तुम्हारा शील झलकता है क्या? क्या तुम्हारा संस्कार झलकता है क्या? नहीं, ये तो उद्दंडता वाली भाषा हो गई, ये शीलवान व्यक्ति नहीं है। शीलवान का वाणी और व्यवहार ये दोनों ही बड़े विचित्र होते हैं शीलवान व्यक्ति के। इसलिए केवल सत्य ही आपके जीवन में ना हो, शील भी आपके जीवन में होना चाहिए। सत्य यानी अंदर वाली बात, परम सत्ता वाली बात, और शील यानी व्यवहार और आचरण वाली बात। इसलिए आपका आचरण भी अच्छा होना चाहिए, और आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, और भीतर से सत्य को पाए हुए भी होना चाहिए। जो भीतर से भरा हुआ होता है वो बाहर के प्रदर्शन नहीं करता है, और जो भीतर से जितना खोखला होता है उसे बाहर के सारे प्रदर्शन करने पड़ते हैं। चंद्रमा कोई श्रृंगार नहीं करता है, चंद्रमा कोई आभूषण नहीं पहनता है, लेकिन फिर भी चंद्रमा हम सबको बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है ना। ये अंदर की अच्छाई होगी तो बगैर जेवर के भी और बगैर श्रृंगार के भी आप सुंदर हो जाएंगे। इसलिए अंदर की सुंदरता को बना के रखना है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे यहां कोई बुराइयां छुड़ाई जा रही है तो ऊंट की तरह अल्लाना मत, समझदारी से। एक से पूछा गया, तुम बोल रहे हो तो समझ के बोल रहे हो कि वैसे ही बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो तो या तो समझ के बोल रहे हो कि बोलने के बाद समझते हो? ध्यान दीजिए, संत अगर बोलता है तो समझा पहले है, बोलता बाद में है। और संसारी अगर बोलता है, वक्ता अगर बोलता है, तो बोलता पहले है, समझता बाद में है। और कुछ तो ऐसे हैं कि बोलने के बाद भी नहीं समझते, ऐसे ऐसे है ना। समझना पड़ेगा आपको, यदि जीवन आनंदित रहे आपका। और दूसरी बात है, उदासी के ऊपर पूरी प्रकृति की उदासी बरस जाती है, कामी के ऊपर पूरी संसार की कामी तरंगे बरस जाती है, क्रोधी के ऊपर सारे क्रोध की तरंगे बरस जाती है। और जो आनंद में, प्रेम में, करुणा में रहते हैं, उनके द्वारा संसार में वाइब्रेशन पहुंचते हैं उनके, तो लोगों को आनंद और शांति मिलती है। इतना प्रभाव है, अरे झूठों का इतना प्रभाव है। हिटलर ने कहा है कि किसी बात को 100 बार अगर झूठ बोला जाएगा तो वो सत्य जैसी लगने लगेगी, सत्य हो जाएगी। तो झूठ अगर इतना प्रभावशाली है तो फिर सत्य कितना प्रभावशाली होगा। इसलिए ध्यान से समझना, 10 रुपए आपने चालाकी से प्राप्त किए हैं आज, 10 रुपए आपने चालाकी से प्राप्त कर लिए, 1, 2, 4 फल खाने के लिए चालाकी से प्राप्त कर लिए। काश तुम चालाकी ना करते तो सब प्रकार के फल तुम्हें खाने को मिलते उस दिन। अगर तुमने 10 रुपए चालाकी से इकट्ठे किए हैं और सीधे रास्ते से अगर 10 रुपए आते तो वो कितना बड़ा रूप लेके आते, 1000 का रूप लेके आते।
बहुत घाटे में हो चालाकी करके। इसलिए सीधे रास्ते से आने देना, जिंदगी का अगर आनंद लेना है तो गलत रास्ते से आएगा वो जिस ढंग से आएगा उसी ढंग से चला जाएगा। जो चाकू घोप के किसी को मार डालता है उसकी मौत भी चाकू के द्वारा ही होगी, जो तलवार से किसी को मार डालता है उसकी मौत तलवार के द्वारा होगी, जो डंडे मार के किसी को घायल कर देता है उसकी मौत डंडे के द्वारा होगी, जो किसी को पानी में डुबो के मार डालता है उसकी मौत पानी में डूब करके होगी। क्यों? क्योंकि दर्पण में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण क्या करता है, जैसा तुम्हारा चेहरा होगा वो वैसा प्रतिबिंबित कर देगा कि देख लो ऐसा चेहरा है तुम्हारा। जैसा तुम्हारा चेहरा होगा दर्पण वैसा ही चेहरा उसमें प्रतिबिंबित होगा आपका। इसी तरह से आप इस दुनिया के अंदर जैसा भी कर्म करेंगे वो वैसा का वैसा ही हूबहू आपके ऊपर लौट करके आएगा। आप जो लुटाएंगे वो लौट के आपके ऊपर आएगा। आप कांटे लुटाएंगे तो कांटे लौट के आएंगे, आप फूल लुटाएंगे तो फूल लौट करके वापस आएंगे। मर्जी आपकी है आप क्या लुटाते हैं, मर्जी आपकी। तो ध्यान दे, चोर महात्मा की कुटिया में चोरी करने के लिए पहुंचा। अब बताइए, साधु भूखा रोटी का धन का भूखा नहीं। जो साधु है असली जो संत है वो रोटी का भूखा है, क्योंकि बिना भोजन के भजन नहीं होता है, इसलिए वो पेट में थोड़ा सा डालता है, इसलिए वो रोटी का भूखा है ना। ज्यादा खाने से अजीर्ण हो जाता है ना, ज्यादा खाने से अजीर्ण हो जाता है, और ज्यादा बोलने से घर में परिवार में समाज में झगड़े हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, विषयांतर हो जाता है। पर मैं क्या करूं, जिस समय जो चीज मुझे याद आ जाए वो निकलता है, मेरे पास कोई रेडीमेड माल नहीं है जो बना हुआ पहले से रखा रहे, जो आ जाए विषयांतर हो तो हो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूं, मैं तो उसकी तरफ से जो आता है वो आपको बताती हूं और सुनाती हूं। तो ज्यादा खाने से पेट बिगड़ जाता है, समझना, ज्यादा खाने से पेट बिगड़ जाता है, तो ज्यादा बोलने से भी घर परिवार समाज और समाज में बनी हुई तुम्हारी इज्जत बिगड़ जाती है, और एक बार जब इज्जत बिगड़ जाती है तो बहुत मुश्किल से बनती है, याद रखना बहुत मुश्किल से बनती है, क्योंकि ट्रेन जब पटरी से नीचे उतर जाती है तो बड़ी मुश्किल से पसीना आ जाता है चढ़ाने में वापस, इसलिए पटरी पे चलो नीचे मत उतारो ट्रेन को, उतर जाती है असावधानी में, हो जाती है भूल गलतियां, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति कहने लगा मेरे से कभी आज तक गलती नहीं हुई, आज तक जिंदगी में मेरे से कोई गलती नहीं हुई। मैंने कहा तूने जिंदगी में कुछ किए ही नहीं तो गलती होएगी कहां से, कुछ करता तो गलती होती, कुछ किए ही नहीं तो गलती होएगी कहां से। इसलिए जो चलता है वो गिरता है, कोई करता है तो गलती होती है। पर बस मैं हर बार एक बात कहती हूं, एक गलती दोबारा मत करना, बस एक गलती बार बार वही गलती मत करना। गलती हो नई नई गलती हो कोई बात नहीं, चलते रहो, चरे वेती चलो। ठीक है, चोर कुटिया में पहुंचा, साधु भूखा रोटी का धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा फिरे समझ लेना नकली साधु है, असली नहीं है, समझ लेना नकली है असली नहीं है। जो धन का भूखा फिरे वह तो साधु नहीं। अब ये साधु की कुटिया में गया, चोरी करने भी गया तो कहां गया, साधु की कुटिया में, आश्रम भी नहीं छोड़ा चोरी करने से, वहां गया तो जिस जो संत निवास था जिसमें संत रहते थे वहां जाकर के देखा, सब टटोल के देखा, तकिया उठा के देखा, गद्दा उठा करके देखा, खटिया उठा करके देखा, कुछ भी नहीं मिला। जब कुछ भी नहीं मिला क्योंकि संत लेते तो थे पर रखते नहीं थे। अगर तुम्हें लेना मजबूरी है
तो लो, लेकिन देने के लिए लो, रखो मत पास, दो। दो। अब जब कुछ नहीं मिला तो कुछ तो ले चले, कुछ तो ले चले। तो बाबा के पास ठंड में ओढ़ने के लिए ये कम्बल था, वो कम्बल लेके ही गया, गया। अब वो गया और बाबा अपनी ध्यान साधना से उठे और एकदम नजर उधर गई, कह रही ये तो कम्बल लेके भाग रहे। तो बाबा पीछे पीछे भागे, क्योंकि जंगल में रहता हूं, कुटिया में रहता हूं, तो एक ओढ़ने को ठंड में कम्बल तो चाहिए। अरे चोर 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 चोर। तो गांव वाले ने आवाज सुनी, महात्मा पीछे भागे हुए जा रहे, तो सारे गांव वाले भी भागे पीछे पीछे। पता नहीं महात्मा की क्या चोरी हो गई। अब महात्मा बड़ी दूर तक गए, उन्होंने कहा ये तो गया। महात्मा लौट के वापस अपने कुटिया पे आके बैठ गए। गांव वाले सारे इकट्ठे हुए, महाराज जी क्या बात है, क्या हो गया, क्या लेके भागा। अरे कुछ नहीं लेके भागा, वो कम्बल जो मेरा था वो कम्बल लेके भाग गया चोर। गांव वालों से महात्मा ने कहा एक काम करना, मैं साधना तपस्या करूंगा, मुझे बीच में चढ़ना मत। वो पता है क्यों करूंगा, मैं जानकारी निकालूंगा कि मेरा कम्बल कौन लेके गया है, वो कौन चोर है, और तप के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से मैं मालूम कर लूंगा कि मेरा कम्बल कौन चोर के ले गया। ठीक है, गांव वालों ने कहा कि नहीं छेड़ेंगे आपको बीच में। महात्मा जी तपस्या के लिए बैठ गए साधना में। अब कुछ समय के बाद जब महात्मा अपनी साधना से उठे, तो महात्मा ने कहा पता लग गया, पता लग गया। गांव वालों ने पूछा काय का पता लग गया, बोले चोर का पता लग गया जो चुरा के ले गया कि कौन ले गया है। और ऐसा बोल के महात्मा भागे भागे जा रहे, दौड़ते दौड़ते दौड़ते। बेचारे गांव वाले भी दौड़े पीछे पीछे। ये लीला ही समझ में नहीं आती इन महात्माओं की, तो पता नहीं कैसे दिमाग है इनके। बेचारे गांव वाले सोचने लगे, तो गांव वाले भी पीछे पीछे भाग के गए। महात्मा कहां गए दौड़ते हुए, महात्मा शमशान में जाकर के बैठे, शमशान में जाके बैठे। गांव वालों ने कहा कि आप बताओ हम पकड़ के लाएं उस चोर को, आपको पता लग गया तो। बोले अब चोर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अब कहीं मत जाना। क्यों? क्योंकि वो एक दिन यहां आएगा। शमशान में बैठे हैं महात्मा, एक ना एक दिन तो तेरे को आना पड़ेगा। तू चाहे कल आ, चाहे तू परसों आ, चाहे तू बरसों में आ, चाहे तू महीनों में आ, लेकिन मैं भी कोई कच्चा साधु नहीं हूं, एक दिन तो तेरे को यहां आना पड़ेगा। अब हकीकत में वो दिन आया। अब वो चोर मरा, शमशान में पहुंचा। महात्मा ने कहा कथा का सार सुन लेना और ध्यान देना, मेरी कथा अन्यथा मत लेना, गलत मत सुन लेना। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, तो गांव की बात है, डॉक्टर ने कहा कि चालिया करो। उन्हें कि ठीक है। अब वो घर गया तो उसने चाय पीना चालू कर दिया, एक से दो कप, तीन कप, चार कप पीना चालू कर दिया। वो सोचे अजब अजीब का डॉक्टर है, अरे डॉक्टर लोग तो चाय पीना मना करते हैं, पर मुझे डॉक्टर ने बताया कि चालिया करो, तो उसने खूब चाय पीना चालू कर दिया। अब तबीयत ज्यादा गड़बड़ाने लगी, दोबारा फिर गया डॉक्टर के पास में। बोले डॉक्टर साहब तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें कहा ज्यादा क्यों हो गई भाई, क्या गलती करी तुमने। बोले कोई गलती नहीं की, आपने कहा था कि चाय लिया करो तो मैं खूब पीने लगा हूं। अरे क्या पीने लगा। बोले चाय पीने लगा और क्या पीने लगा। अरे मैंने तो कहा था कि चाय लिया करो। अरे मैंने तो चलने का बोला था कि थोड़े चला करो, चला करो, चालिया करो। वो गांव की भाषा में बोला चालिया करो, और वो भी गांव का ही था पेशेंट भी, तो उसने बोला चालिया करो, उसने कहा कि चालिया करो, तो चाय शुरू कर दी। तो कथा तुम उल्टी मत सुन लेना, मैं बोलूं क्या तुम सुन के लो, है ना। अब महात्मा
शमशान में बैठे, एक दिन चोर मरा और वो भी शमशान में आया, तो महात्मा ने कहा, आप प्यारी बात सुन ले, मैं ये नहीं कह रही धन मत कमाना, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जिसकी जेब में मणि नहीं है और जिसकी जबान में मीठी वाणी नहीं है, भगवान ही जाने उसका क्या होगा। जो गरीब होता है वो सारी दुनिया के चेहरे देखता है, पर दुनिया वाले गरीब का चेहरा नहीं देखते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती हूं कि तुम गरीब रहो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पैसा खूब कमाओ, पैसा जिसका कलेजा बड़ा होता है वो पैसा कमाना जानता है, और उससे भी बड़ा कलेजा जिसका होता है वो दान देना जानता है, और उससे भी बड़ा कलेजा जिसका होता है वो पुण्य करना जानता है, और उससे भी बड़ा कलेजा होता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। बहुत बड़े कलेजे वाला आदमी परमात्मा को प्राप्त करता है ना। थोड़ा बड़ा कलेजा बनाओ, बुजदिल मत बनो, बहुत विराट कलेजा होना चाहिए, है ना। है सब समा जाए तुम्हारे कलेजे में, समझ रहे हो, कलेजे में हृदय विशाल, हमारा हृदय विशाल हो सब समा जाए उसमें, वो फिर तुम्हारा जैसा भाव होगा, यादृशी भावना तादृशी सिद्धिर भवति, जिसकी जैसी नियत वैसे ही काम होता है। अच्छी नियत वालों का हो खुटता ही नहीं है, और अच्छी नियत जिनकी नहीं है, न सूरत बुरी है न मूरत बुरी है, ये सारी सूरत यहाँ बैठी है, क्या ये सब बुरी है? और सारी मूरत देखिए, आप विद्या धाम में कितने मंदिर है, कितने देवता, नौ ग्रह देवता, इधर देखो परशुराम भगवान का, उधर देखो माता का, उधर देखो सिद्धि का, पता नहीं कितने देव भगवान है। न सूरत बुरी है न मूरत बुरी है, बुरी है तो इंसान की नीयत बुरी है, और जिसकी जैसी नीयत वैसा होता है, वैसा होता है। अब ध्यान दे, एक मिनट का सार सुन ले कथा का। महात्मा ने क्या कहा? महात्मा ने कहा, जिसके पास कम्बल था वो भी आज खाली हाथ है शमशान में, और जो कम्बल चोर के ले गया था वो भी शमशान में खाली हाथ है। ना तो चोरी करने वाले के पास कम्बल बचा और ना उस मालिक के पास कम्बल बचा, दोनों के पास वो कम्बल नहीं है। इसी तरह से पाप का घड़ा ज्यादा मत भरना, मैं ये कहना चाहती हूँ पैसा खूब कमाना, लेकिन जो तकलीफ दे दे ऐसा मत कमाना। क्यों? क्यों? क्योंकि आए थे जब भी नहीं था साथ में, बड़ी अच्छी बात आपने सुनी थी, एक ने मेरे से कहा, एक बेटी ने बोले, जब मैं आई थी दुनिया में रोई थी मैं और हंसी थी दुनिया, जब मैं आई थी दुनिया में तो रोई थी मैं और हंसी थी दुनिया, मरते वक्त बदला लूंगा, हंसूंगी मैं और रोएगी दुनिया। अब इसका अर्थ भी तो समझना कि जीवन में ऐसा कर्म करना है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग रोते रहे। दुष्ट में और सज्जन में यही अंतर है, दुष्ट मरता है, दुष्ट मरता है तो लोग खुशियां मनाते हैं कि धरती का वजन हल्का हुआ, एक पापी दुनिया से गया, और जब सज्जन कोई मरता है तो दुनिया आंसू बहाती है कि धरती का भगवान चला गया, धरती का देवता चला गया। सुना सुना लग रहा है, इसलिए चार दिन की जिंदगी है, राम बन के जीना, रावण बन के मत जीना। राम बन के जियोगे तो तुम भी आनंदित रहोगे, दूसरे भी आनंदित रहेंगे, और रावण बन के जियोगे तो तुम भी परेशान रहोगे, दूसरों को भी सताओगे, दूसरे भी परेशान रहेंगे। सर झुकाना मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है
के सर झुकाना। इतना तो गम नहीं है सारी दुनिया रूठ जाए, इतना तो गम नहीं है सारी दुनिया रूठ जाए। हाँ इतना तो गम नहीं है सारी दुनिया रूठ जाए, इतना तो गम नहीं है सारी दुनिया रूठ जाए। केवल कहीं तू न रूठ जाए माँ, गम है तो इतना केवल कहीं तू न रूठ जाए, कहीं तू न रूठ जाए। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। अब जो झुक गया है सर, अब जो झुक गया है आता नहीं उठाना, सर अब जो झुक गया है आता नहीं उठाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। करके कोई बहाना, करके कोई बहाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे, अभी सांस चल रही है, अभी सांस चल रही है कहीं तुम चले न जाना, अभी सांस चल रही है कहीं तुम चले न
तेरे पैर पे सर झुकाना। मुझे राज आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे वो आ ही जाते हैं। तेरे दर पे की नहीं किया आस हम सारे। सर झुकाने के लिए ध्यान देना, देखा देखी मत करना। भीड़ भाड़ में जाती है, भीड़ करे वैसा नहीं करना। अपने विवेक से अपने जीवन का संचालन करना। आया था तेरे दर पे सर झुकाने के लिए, उठता नहीं है सर अब घर जाने के लिए। अब क्या है? परमात्मा के दरबार में आ ही गए हैं, इससे अच्छा दरबार कौन सा हो सकता है जिसे छोड़ के कई सर और पटका जाए। वो सर सर नहीं जहां दर न झुके, और वो दर दर नहीं जहां सर न झुके। आइए कथा के ऊपर, कथा का सार क्या था कि कम्मल जिसके पास था उसके पास भी नहीं रहा, और कम्मल जो चोरी करके ले गया था उसके पास भी नहीं रहा। इस जीवन के सत्य को समझते हुए संसार में जिया जाएगा। कैसे जिया जाएगा? व्यापार में घाटा भी चला गया, बीच में नुकसान भी हो गया, कोई बात नहीं, क्या लेके आए थे और क्या लेके चले जाओगे। ये बीच की व्यवस्थाएं हैं, थोड़ी सी व्यवहार चलाने के लिए मिली है, इन चीजों को ज्यादा सीरियस मत लेना। गम की अंधेरी रात में ना दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार कर। फिर से दिन बदलेंगे, फिर से सब कुछ होगा, फिर से सब होगा। इसलिए मैंने तो नाम रखा है जिंदगी एक समझदारी है। समझदारी आपके पास में है तो झोपड़े में भी मजे ले लोगे और रूखी रोटी में भी मजे ले लोगे। समझदारी जिनके पास नहीं है वो करोड़ों में खेल रहे हैं फिर भी रो रहे हैं। जिंदगी हंसने के लिए मिली थी, रो रो के दिन पूरे कर रहे हैं ये ना समझी के कारण। तो ठीक है, अब हमारी ऐसी समझ बनी रहेगी। लाखों आ भी गए तो दृष्टा बन के देखना, लाखों चले भी गए तो दृष्टा बन के देखना। ये सब आने और जाने वाली चीजें हैं, लेकिन जो दृष्टा है वो सदा बना रहता है। आप जीवन में साक्षी बनकर के जीना है आपको। तीन चीजें मैं आपको बता दूं, अगर ज्ञान मार्ग से मैं बोलती हूं तो साक्षी बनकर के, दृष्टा बनकर के अंदर और बाहर का तमाशा देखते रहना, संभल कर देखना। दुनिया देखने वाले, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वाले। तू देखने वाला है, लोग तेरा तमाशा देख के हंसे और ताली बजाए ऐसा तू मत बन जाना, तू केवल देखने वाला है। ये ज्ञान की भाषा है। और दूसरी, मन को कैसे जीते? तो मन में ही परमात्मा को बिठा ले, या मन ही परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। अगर तू इंदौर का सबसे बड़ा गुंडा और बदमाश भी है तो तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। इतने पाप आदमी कर ही नहीं सकता है जितने की भगवान के नाम में और भगवान के कृपा में पापों को मुक्त करने की ताकत है। तो तुम और करते ही मत जाना, अन्ना का बहुत बड़ी ताकत है भगवान के नाम में, तो अपना चालू रहने दो काम, ऐसा मत करना। 100% तुम्हारा पुण्य है और 100% तुम्हारा पाप है, और तुम समझोगे
कि 100% पुण्य में से 100% पाप मेरा माइनस हो जाए, उसे घटा दूं मैं? ऐसा नहीं होता है भगवान की संहिता में। 100% पुण्य का फल अलग मिलता है और 100% पाप का फल अलग मिलता है। और पाप और पुण्य से अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो किसी सच्चे फकीर के पास जाकर के बैठना, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना, तो तुम पाप और पुण्य से भी ऊपर हो जाओगे, ऊपर हो जाओगे। अध्यात्म में जब हम प्रवेश करते हैं तो ध्यान देना, ये मेरे जीवन का अनुभव है, अध्यात्म में जब हम प्रवेश करते हैं तो एक महाभारत लड़नी पड़ती है। अरे संसार में महाभारत लड़े तो ठीक भी है, यहां आके अध्यात्म में आकर भी महाभारत लड़नी पड़ती है। हाँ लड़नी पड़ती है। वो कौन सी महाभारत है? वो है मन के साथ लड़ना, वो महाभारत। अध्यात्म में जब हम प्रवेश करते हैं तो महाभारत लड़ना पड़ता है, और वो महाभारत है मन के साथ। तो मन के साथ लड़ करके, यानी कैसे लड़े मन के साथ? मन ने जो मांगा और तुमने उसे दे दिया तो उसकी ताकत 100 गुना बढ़ गई और तुम्हारी ताकत 100 गुना घट गई। मन ने जो मांगा, तुमने अगर उसे वो चीज नहीं दी तो तुम्हारी ताकत 100 गुना बढ़ गई और मन की ताकत 100 गुना घट गई। ये जंग, ये महाभारत, ये महाभारत। और ये अंदर का महाभारत जिसने जीत लिया, समझ लो उसने प्रभु को पा लिया। तो चाहे महाभारत लड़ो फिर मन को जीतो, चाहे ज्ञान के मार्ग से तुम दृष्टा और साक्षी बनो और मन दृश्य हो जाए, तमाशे देखो उसके, ये रास्ता है। या भक्ति का रास्ता है, अपने आप को ही भगवान के हवाले कर दो। तू नंबर एक का पापी भी होगा इंदौर का तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, पर मेरी शरण में आने के बाद दोबारा पाप मत करना। और ऐसा अगर कोई भी है वो आ सकता है यहां, और संकल्प ले ले, आज तक जितने भी उसने पाप किए हैं अगर वो संकल्प ले ले आज के बाद नहीं करूंगा, तो आज की भी व्यास गादी उसे पापों से मुक्त कर देगी, दोबारा ना करे। क्यों? क्योंकि पस्तावो झरनो स्वर्ग से उतरियो छे, वो तेमा पापी डुबकी दईने पुण्यशाली बने छे। जो पश्चाताप होता है वो पश्चाताप सारे पापों को धो देता है। कैदी मेरे से पूछते हैं जेल में कि माँ तू तो अब देर से मिली है, अब हम जो कर चुके उसका क्या होगा, वो पाप कैसे धुलेगा? मैंने कहा पश्चाताप के 2 आंसू तुम्हारे सारे पापों को धो देंगे, और आगे जाके तुम पाप करना मत, करना। और करने के बाद जिसे गलत करके भी पश्चाताप नहीं होता है, कोई ग्लानि नहीं होती है, समझ लेना उसकी आत्मा मर गई। और आत्मा ही मर गई जिसकी, उस मुर्दे की क्या कथा करो आप, कोई मतलब नहीं बचा। अब ध्यान दीजिए, कथा पे आइए। कथा कहां चल रही थी? वो गणेश जी की गणेश चतुर्थी आई हुई थी, बस वहीं से कथा छूटी थी। तो गणेश चतुर्थी हो चुकी थी और गणेश जी का जो विसर्जन चल रहा था, तो नदी पर ले जाकर के गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं। तो सारे युवा बच्चे गणेश जी को लेकर के विसर्जन के लिए गए, वहां एक घटना घट गई। वो घटना क्या घटी? एक व्यक्ति, भीड़ भाड़ बहुत थी, उस भीड़ भाड़ में एक व्यक्ति डूबने लगा। अब जब वो डूबने लगा तो ये पुकारने लगा, हे संकट मोचन, हे मैं देर लग रही हूं, वहां इतनी देर थोड़ी लग रही है, वो तो जरा सी देर में घटना घट गई। सूक्ष्म जगत में घटना बहुत जल्दी घटित होती है, स्थूल जगत में उसे बताने में समय लगता है। सपना तुमने 2 मिनट की झपकी आई, तुमने बरसों का सपना देख लिया, कल्प का सपना देख लिया, वो 2 मिनट की झपकी में देख लिया। सूक्ष्म जगत में समय कम लगता है, स्थूल जगत में समय ज्यादा लगता है। मुझे बताने में बाद समय ज्यादा लग रहा है, तो ध्यान दे। अच्छा,
इंद्रदेव। कथा की शुरुआत में भी सारे देवता आए थे, धूमधाम स्वागत किया था। आज अब कार्यक्रम विश्राम की ओर जा रहा है, देवता फूल बरसाने लग गए, पानी तुम्हें आने का मौका भी दे दिया, तुम्हें कथा सुनने का मौका भी दे दिया, और आपका ये प्रकृति सम्मान कर रही है। मैंने कल भी बताया था, सतयुग में फूल बरसाते थे देवता लोग, और कलयुग में जब पानी की बूंदे गिरे, समझ लेना सब प्रसन्न है देवता। तुमको के बरसात ही चल रही है, कौन सी बड़ी बात हो गई है? चाहे बरसात न रहे तब भी ऐसा होता है। एक जगह तो असली में फूल बरसे थे, क्यों? किसी ने कहा राम कैसे हैं, सोने के मृग के पीछे भाग लिए, कोई सोने का भी मृग होता है क्या? इतनी भी समझ नहीं है राम को। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कहां जा रहे हो, कोई सोने का मृग होता है? राम ने कहा इस सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है, हो सकता है, हो सकता है, कोई असंभव नहीं। तो ध्यान दीजिए, गणेश जी ताली बजा के नाच रहे, डूबने वाला क्या कह रहा, तुम्हें नाचने की सूझी और यहां तो जान पे आ रही है। तो गणेश जी ने कहा कि तुम तो हर साल मेरे को डूबोते हो और तुम नाचते हो, तो एक बार तू भी डूब, मुझे भी नाचने दे। अरे तू भी तो महसूस कर डुबाने वाले की हालत कैसी होती है, तू भी तो कर महसूस। बात मैं किसी देवता की नहीं बता रही हूं, देवता तो देवता होते हैं, शक्तियां तो शक्तियां होती है। जितनी भी कथा की जाती है, ये जितनी भी लीलाएं भगवान ने की है, रावण को तो एक संकल्प करते तो रावण मर जाता, अरे संत के मुंह से जो निकल जाए वो सच हो जाता है। तो राम जी के मुंह से निकल जाए रावण मर जाए तो क्या सच नहीं होता क्या, नहीं मरता क्या? साधना और तप जिनके पास है उनके लिए सब संभव है। तो रावण को तो यूं मार देते संकल्प करके, लेकिन लीला क्यों की भगवान ने? लीला हम लोगों के कल्याण के लिए लीलाएं की गई है भगवान, कि हमें उनसे प्रेरणा मिले, हमें उससे शिक्षा मिले। लेकिन हम लोग कैसे निकल गए? बस उनकी कथा तो कर लेते हैं, लीला तो पढ़ लेते हैं। लोग कहते हैं अपने शास्त्र बहुत अच्छे हैं, गीता बहुत अच्छी है, रामायण बहुत अच्छी है। मैंने कहा तूने पढ़ी कि नहीं गीता रामायण? बोले नहीं पढ़ी। तो फिर अच्छी होने से क्या फायदा, तूने नहीं पढ़ी तो? एक ने कहा गीता अच्छी रामायण अच्छी, मैंने कहा तूने पढ़ी कि नहीं? बोले पढ़ी। मैंने कहा आचरण में उतारी कि नहीं उतारी? बोले नहीं उतारी। तो फिर पढ़ने से क्या फायदा? यानी पढ़े तो सही पर गुणे नहीं, इसलिए पढ़ो भी सही गुणों भी सही। अब पढ़ो और